हेलो फ्रेंड्स, जय मा भंडार गई, मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, वर्तमान देखिए आसे चाली ना क्रिकेट टूर्नामेंट, आज रहा तीन नंबर दिन। आज मैच अच्छे गुंड्री आर भेजी पदर मध्य। तो चलो फ्रेंड्स, खेल के टिके एंजॉय करमा आरो देखमा टिके आरो। गेंद को ढकेल दिए, फिर से आगे खेलने की कोशिश और पटकी हुई गेंद वहां पर, दो गेंद में दो चौके लगा चुके हैं अब तक। फिर से उसी दिशा में खेल दिया और वहां पर फील्डिंग दिलीप के द्वारा रन बचाए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद फिर से लेग साइड और फाइनल की दिशा में खेल दिए, वहां पर कोई मौका नहीं, एक और चौका निकलता हुआ। इस ओवर में अब तक तीन चौके लगा चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन बटोर चुके हैं लोकेश ने अपनी टीम के लिए। और ये अपील होता हुआ अंपायर के द्वारा आउट करने की आगे खेलने की कोशिश की, मगर ठीक ढंग से बल्ले पर लगे नहीं और अपना विकेट गवाएंगे लोकेश। पहली विकेट की पतन का कमबैक किया उपेन ने और सफलता दिलाई। फुल टॉस गेंद खेल दिया अक्षता कवर के ऊपर और चार रन से खाता खोले। खुद कप्तान भी है भेजी पदर का। थोड़ी सी मुश्किल शायद कहा जाएगा, ये गेंद रोकना चाहिए था, मगर ये चार रन निकलता हुआ जर्मा की बल्ले से अपने खाता खोला जर्मे चार रन से। फिर से लेग साइड गेंद थी और लेग साइड घुमाकर मारने की कोशिश की, कोई संजोग नहीं, अपने पैर पर गेंद टकराया, कोई रन नहीं। अगली गेंद फिर से ड्राइव लगा दिया दोनों फील्डर के बीच, शानदार शॉट गैप निकाला और चार रन बटोरे अपने टीम के लिए। जन्मे सलाई बल्लेबाज के रूप में उतरते अब तक, अच्छी बल्लेबाजी। फिर से घुमाकर मारने की कोशिश की, लेग साइड चुके बल्लेबाज, कोई रन नहीं, अच्छी कमबैक कहा जाएगा षष्ठी के द्वारा। फिर से खेलने की कोशिश सरोसी दिशा में, अब थोड़ी सी मिसफील्ड कहा जाएगा, अगर गेंद रोकना चाहिए था क्योंकि हाथ में लगा था। आज चार रन निकल चुका है इस बार भी, अच्छी बल्लेबाजी जर्मे के द्वारा। फिर से अगर खेलने की कोशिश की, वहां पर गेंद को रोक लिया और ओवर की समाप्ति। दो ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 28। में गेंद को रोकना चाहिए था मगर हाथ से छिटक कर गई और चार रन लुलू के द्वारा। इस फिर से स्टेट डाइव लगा दिया, फिर से हाथ से लगी थी शायद और अच्छी फील्डिंग कहा जाएगा, शायद गेंद को रोक लिया उपेन, छलांग लगाई और गेंद को रोक लिया। अपने टीम के लिए बहुमूल्य चार रन बचाए। इस फिर से अपने पैर में गेंद को रोक लिया विकेट कीपर बंटी, अच्छी फील्डिंग, लगातार दो चौके बचा चुके हैं गुंडरी ने अब तक, अच्छी फील्डिंग का नमूना यहाँ पर। फिर से लग सकती और खेल दिए डीप विकेट में चार रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, काफी तेज तरार से बल्ले घुमाते हुए इसे फिर से लगा दिए, हालांकि अच्छी कोशिश की थी खिलाड़ी मगर नाकामयाब। एक और चौका निकलता हुआ लुलू के बल्ले से। जोर से मारने की कोशिश की यार, अपना विकेट गवाएंगे, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 40 लास्ट ऑफ 2 विकेट, बॉलर अपना दूसरा बल लेकर आए षष्ठी। पहली गेंद स्टेट डाइव लगा दिए, वहां पर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। षष्ठी की अगली गेंद जनरल के लिए, फिर से लगा दिए वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चार रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ जन्मे के द्वारा। फिर से इधर खेलने की कोशिश की मगर चुके, कोई संजोग नहीं, हल्की सी मौका बनती स्टंपिंग की मगर आयन वक्त पर पिचर वापस जन्मे। इधर फिर से चकमा दिए बल्लेबाज जन्मे को, षष्ठी अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं जो काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिलता हुआ यहाँ पर। फिर से ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई रन नहीं, सॉरी चार रन निकलता हुआ यहाँ पर। अगली गेंद षष्ठी के द्वारा,
फिर से लगा दिया करारा शॉट, एक और चौका निकलता हुआ जर्मन के बल्ले से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के सामना करेगा आकाश। पहली गेंद घुमा कर मारने की कोशिश की, कोई संजोग नहीं बल्ले पर, अच्छी गेंदबाजी गोंद्री के द्वारा। अब तक खेलने की कोशिश की और हल्की सी हाथ से लगा गेंद और छिटक गई और चार रन स्लिप की दिशा में साइड एज लगा। इस फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव, पांच खिलाड़ी ऑफ साइड और राउंड पर गेंदबाजी करते हुए उपेन। इस बार वाइड एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा, वाइड कर देते हुए अंपायर पहली वाइड इस इनिंग्स का। इस फिर से करारा शॉट लेग साइड डकल दे, इस चार के साथ इनका स्कोर 561। पांच ओवर की प्रगति अभी भी जारी, 61 पर पहुंच चुका है भेजी बदर का स्कोर। फिर से लगा दे सात ओवर वहां पर सीधे फील्डर के हाथ पर गेंद, कोई रन नहीं। पांच ओवर की प्रगति अभी भी जारी, इस फिर से आगे जाकर खेलने की कोशिश की मगर चुके बल्लेबाज। 61 रन अब तक बना चुके हैं भेजी बदर, इस बार नो देते हुए हम पैसा आज क्योंकि तेज गति थोड़ी आती हुई और फ्रीट मिलेगा इस एक रन के साथ इनका स्कोर 62 और ओवर की समाप्ति। पांच ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 62। पांच ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 62। राउंड ऑफ वेट गेंदबाजी करते हुए सचिन इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर आएंगे जनवरी। आगे जाकर खेलने की कोशिश की और आगे स्टंपिंग होने का चांस शायद अपील होता हुआ, चूंकि बल्लेबाज जनवरी पर वापस अपना विकेट बचाए जनवरी। इस बार से क्लिक कर दिए फील्डर तैनात, वहां पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत सचिन के द्वारा, उसे ब्रेक कर दिए, अच्छी कोशिश की वहां पर गेंद को रोक लिया स्पिन ने, अपना बहुमूल्य चार रन बचाए। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में, अगली गेंद फिर से ढका दिया राइट से, यानी कि अब तक विकेट गवाए जन्मे। इस बार चला की दिखे तीन दिशा में ढकल दी चार रन, इस चार के साथ टीम का स्कोर 66 रन। इस साइड ढकल दिया और चार रन, इसके साथ टीम का स्कोर 70 रन। गोटी को जीत के लिए 71 रन की जरूरत में। हाथ से खेलने की दिशा में चूंकि बल्लेबाज कोई रन नहीं, शानदार गेंदबाजी शुरुआत आकाश के द्वारा छोड़ दिया साहब फील्डर ने गेंद को, रोज देखा कि छह जाने वाला है इसलिए छोड़ दिया और अपना विकेट करे उनकी जगह भवानी फिर से थोड़ी सी आगे जाकर खेलते हुए आकाश के गेंद घुमाकर मारने की कोशिश की, गेंद लीगल डिलीवरी साहब अपने शरीर पर टकराया। इसका फिर से पहले की दिशा खेल दिए चालाकी वाला शॉट और चार रन से खाता खोलता हुआ गुंडरी का और भवानी का भी। इस बार तीस अगर के लिए कोशिश और ये स्टंपिंग के फिर होते और अपना विकेट गवाए चालाकी, जो कि एक रचना रची थी विकेट कीपर में बदलाव किए और स्टंपिंग करते हुए शानदार स्टंपिंग लोकेश ने बहुत ही अच्छी चालाकी दिखाई और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ गुंडरी का चार रन के स्कोर पर। अच्छी कमबैक
और उनकी जगह फर्स्टी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। पहली ओवर में दो विकेट गंवा चुके हैं गुंडरी और ये वही कर रहे हैं अंपायर ऑप्शन के काफी बाहर थी, यानी कि एक्स्ट्रा रन मिलेगा, यानी कि 5 रन हो चुके हैं अब तक। फिर से करारा शॉट ओवर की दिशा में और 4 रन लगाते हुए फर्स्ट टी। इसके साथ इनका अगर इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर से लेगर घुमा के मारने की कोशिश की और कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति। एक ओवर समाप्ति के बाद गुंडरी का स्कोर 9, लास्ट ऑफ 2 विकेट। अब इस बार गेंदबाजी का भार संभालता हुए बल्लेबाज से अजीत और इस बार बैटिंग भी करते हुए गुंडरी के अजीत, दोनों अजीत के बीच टक्कर। देखते कौन अजीत। स्टंपिंग की अपील और सुरक्षित ढंग से पिच पर वापस। ये डॉट गेम जो इस मैच जीतेगा सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा, 10 रन के साथ खेलेगा और हालांकि अच्छी कोशिश की थी विकेट कीपर ने और ये 4 रन निकलता हुआ अजीत के द्वारा। इस तरह ये सही लक्ष्य गेंद थी, घुमाकर मारने की कोशिश की और अच्छी कीपिंग लोकेश के द्वारा गेंद को रोक लिया। ये तो फिर से रिवर्सिव खेल दिए, सीधा सीमा रेखा से बाहर, 4 रन निकलता हुआ अजीत के बल्ले से। गुंडरी की बल्लेबाज फिर से लक्ष्य दोबार मार दिए, एक और चौका निकलता हुआ, शानदार शॉट। 2 ओवर समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 21, 21 रन बना चुके हैं। अच्छी कमबैक कहा जाएगा, अपनी कंटिन्यू ओवर लेकर आए हैं तीसरी ओवर में। फिर से यार आपकी कोशिश की अच्छी गैस के, मगर थोड़ी सी चुके, जीवन दान मिलता हुआ षष्ठी को। इस बार तो फिर से लक्ष्य मारने की कोशिश की और वहां पर फील्डर तैनात, गेंद को रोक लिया, कोई रन नहीं। षष्ठी के लिए अगली गेंद आकाश का, ये तीसरी ओवर का। फिर से आधार खोलने की कोशिश की, हालांकि उसकी कोशिश की थी इस खिलाड़ी, मगर हाथ से छिटक कर गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन, इधर फुल टॉस गेंद लगा दिया इसे सीमा रेखा से बाहर, अपना विकेट गंवाएंगे षष्ठी। अब आपकी अगली गेंद बंटी के लिए, तो फिर से हालांकि स्टंपिंग की मौका थी मगर लगाया नहीं लोकेश। अरे नो करार देते हुए अंपायर, शायद नो, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। इसके साथ 26 फ्री हिट और फ्री हिट का भरपूर फायदा होना चाहिए, 4 रन तब देखिए। उसी के साथ टीम का स्कोर 30, 3 ओवर समाप्ति के बाद 30 और बचे हुए 3 ओवर में 41 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। इस बार फिर से रिवर्स लगा दिए, अच्छी शॉट कहा जाएगा अजीत के द्वारा। ये 4 रन से इस ओवर का शुरुआत करते हुए अजीत और ये इस 4 के साथ टीम का स्कोर 34 पर पहुंच चुका है। फिर से आगे जाकर खेलने की कोशिश की थी मगर चालाकी गेंदबाजी, गेंद को सम्मान दिया, रिक्स लेना नहीं चाहता अजीत। फिर से लगा दिया, बाहर से खेलने की कोशिश की, चक्का लगा रहा, अपना विकेट गंवाएंगे अजीत। काफी नाखुश होंगे अपने आप से क्योंकि फुल टॉस गेंद थी और एक और विकेट का पतन होता हुआ गुंडरी का और काफी खुश होंगे बेजीबद का खेमा। अब नए बल्लेबाज अश्विन मैदान के अंदर, बाकी और ये आखिरी गेंद इस ओवर का, आखिरी लास्ट गेंद। दो गेंद है, जैसे इन्फॉर्मेशन आता स्कोरबोर्ड का मेरे उसी तरह डिक्लेरेशन होता है।
इधर तीस में लगा दिया, एक और चौका निकलता हुआ, दो चौके लगा चुके हैं। से लगा दिया सब, मगर गेंद को रोक लिया। इस बार अच्छी फील्डिंग और पांचवा ओवर लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी करारा शॉट। इस बार फिर से बंटी के द्वारा, इसके साथ टीम का स्कोर 46 पर पहुंच चुका है। लगातार दो चौके, पांच ओवर की प्रगति अभी भी जारी। इस बार एक और चौका, इसके साथ टीम का स्कोर 50 पर पहुंच चुका है। अभी भी 21 रन की जरूरत, 9 गेंद में। बंटी की बल्लों से आग उगलता हुआ, इसका फिर से लगा बच्चा, एक और चौका, इसके साथ टीम का स्कोर 54 पर पहुंच चुका है। लगातार 4 गेंद में 4 चौके, 54 पर पहुंच चुका है। इसके साथ फिर से लगातार एक और चौका, क्या बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ यहाँ पर बंटी के द्वारा। और इसके साथ टीम का स्कोर 58 पर पहुंच चुका है। 5 चौके लगाकर अपनी टीम को वापसी दिलाई। इस बार एक्स्ट्रा यानी कि वाइड 59 रन पर पहुंच चुका है। इसी के साथ 59 और 63, इस मैच को जीतने के लिए अब 8 रन की जरूरत, 1 ओवर में 8 रन, ये 6 चौके और 1 वाइड यानी कि 25 रन। पांच गेंद में 12 रन की जरूरत। इस बार अगली गेंद चुके, इस बार चुके बल्लेबाज सचिन। छक्का लगा रहा अपना, विकेट गवाएंगे। और इस बार 9 से करा देते हुए अंपायर, 9 मैच को जीतने के लिए 3 गेंद में और पांचवें में गेंद को रोक दिया। अच्छी कमबैक बेजी बदर की ओर से। इस फिर से अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कमबैक, अपना जीत की ओर अग्रसर होते हुए इस बार जीत हासिल की बेजी बदर ने और सीधे फाइनल में प्रवेश किया।